आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सरदारपुरा से आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ सकती हैं, पार्टी इस तरह का कह सकती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुश्किल होगा मुकाबला? कमाल है। प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अपनी हार को लेकर आश्वस्त हैं, इसलिए वो सरकारी कार्यक्रमों में भी नहीं आते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई कि आप एक तरह के तो मेरे मित्र अशोक गहलोत बोलते हो, है भी ना, आप लोग मित्र तो हैं ना? नहीं, पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा, और फिर हमारी ऐसी तैसी करते हो। आपके नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर आश्वस्त हैं, राजस्थान को लेकर नहीं? हम राहुल गांधी जी के जो उन्होंने बयान दिया उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और इस नए सिरे से रिवाइज टारगेट में कितने मंत्रियों के टिकट पर खतरा है मुख्यमंत्री जी? ये तो विषय आपका नहीं है जी। अफवाहें चल पड़ी है टिकट कटेंगे। कटेंगे, किसका कटेगा वो नाम मेरे पास नहीं। पर आपने इशारा कर दिया है जिनको टिकट मिलना है उनको, पर ये हैं दावेदार? नहीं, दावेदार तो कोई भी हो सकता है। ये भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। उनके बारे में भी स्पष्टता का बड़ा अभाव है। उनका नाम है सचिन पायलट। आपने उनको संकेत किया कि अरे सचिन तुम विधायक हो, जरा सक्रिय हो जाओ, टोंक के बाहर भी कुछ बातचीत हुई? तू तो खुद हाईकमांड है, हाईकमांड को कहने यूज नहीं होती, हाईकमांड खुद टिकट बांट देंगे। पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तो सचिन पायलट के नेता हैं, आप भी तो निर्देश दे सकते हैं उनको। आपने कोई परामर्श दिया हाईकमान को कि सचिन पायलट का किस तरह से? आप मेरे पास आगे हमारी पार्टी के अंदर मामलों में पंचायती मत करो। पर ये बड़ी लाइन खींचने का जो अशोक गहलोत फॉर्मूला है वो भी तो समझ में आ जाए आपकी पार्टी के युवा नेताओं को। जब आपने शुरू किया था तो मदेरणा परिवार, मिर्धा परिवार, नटवर सिंह, कितनी लंबी लाइन थी, सब एक एक करके राजनीति में पृष्ठभूमि में चले गए, अशोक गहलोत बने हुए हैं। आप कांस्टेंट हो गए हैं, वो वेरिएबल हो गए हैं। नए नए आए, दावेदारी की वो भी चले गए, सीपी जोशी ने समझौता कर लिया, सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी में बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये कितनी लंबी लाइन खींच रहे हैं आपके युवाओं का इंतजार बढ़ रहा है। अब जो ये मुख्यमंत्री पद मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। लल्लन टॉप पॉलिटिकल अड्डे के इस आखिरी सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपका भी स्वागत है। जहां भी जा रहे हैं एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राजस्थान की जो एक पॉलिटिकल रवायत बन गई है, हर 5 साल में रोटी पलटती है जनता, वो रवायत पलटेगी या सिलसिला कायम रहेगा? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर थोड़ी सी बेफिक्री नज़र आ रही है। लोग इलेक्शन 2023 की बात कर रहे हैं और अशोक गहलोत मिशन 2030 की बात कर रहे हैं, ये माजरा क्या है? देखिए, मैंने 15 अगस्त को कहा था स्पीच के अंदर कि हम लोग चाहेंगे कि मिशन 2030 हर राजस्थानी भाग ले उसके अंदर, उनका क्या सपना है। ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा तो कम से कम आने वाले वक्त में लंबे समय तक एक बेसिस बन जाएगा। आज डॉक्यूमेंट जो लॉन्च हुआ वो खाली अंतिम नहीं है, और भी डॉक्यूमेंट बन सकते हैं आने वाले वक्त में। तो एक पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट किया है, जो प्री बजट होती है हमारी मीटिंग है उसमें हम पूछते हैं सब लोगों को, अलग अलग वर्गों को, फिर बनता बजट बनता है। एक प्रकार से 2030 को टारगेट बना के चल रहे हैं। अभी तब तक हम पर कैपिटा इनकम में कहाँ पहुँचेंगे, आधारभूत रचना इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पहुँचेंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में जो काफ़ी जंप किया हमने, अभी वो जंप जो है अभी जो किया है वो भी चर्चा विचर देश के अंदर है। तो सपना हम देखेंगे 30 तक क्या होना चाहिए। एक सपना 2030 का, एक सपना 2023 का। मेरे सामने है एक बयान आपके नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का। 24 सितंबर को एक कार्यक्रम में पार्टी की तैयारी के सिलसिले में राहुल जी से सवाल पूछा गया, उनका जवाब था, मैं कहूंगा अभी हम शायद तेलंगाना जीत रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान हम बहुत करीब हैं और हमें लगता है कि जीतने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी भी अंदरूनी तौर पर यही कह रही है।
आपके नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर आश्वस्त हैं, राजस्थान को लेकर नहीं? देखिए, नेता जो है उसका अपना असेसमेंट भी होता है। मुझे अच्छा लगा उन्होंने बयान दिया, क्योंकि वो जो आए थे राजस्थान में या जो फीडबैक मिलता होगा उनको, तो उनका अपना फीडबैक है, तो हमने उसको उसी रूप में लिया है कि भाई एक नेता ने चैलेंज दे दिया हम लोगों को, हम उसको स्वीकार करें चैलेंज को, तभी तो हम कुछ सुधार कर पाएंगे। तो हमने कहा है कि हम मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आगे निकलेगा, हम राहुल गांधी जी के जो उन्होंने बयान दिया उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और इस नए सिरे से रिवाइज टारगेट में कितने मंत्रियों के टिकट पर खतरा है मुख्यमंत्री जी? ये तो विषय आपका नहीं है जी। आप ठीक कह रहे हैं, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन जिस जनता का मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ सवाल के रूप में, वो ये जानने को उत्सुक है कि कितनों के कतरे जाएंगे टिकट। देखिए, ये तो हर बार एक्सरसाइज होती है और उसके बाद में हाईकमान फैसला करता है कि किसके टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इतने ये विषय ही नहीं हमारा। हम तो सबको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं भाई लगे रहो काम में। अब उसमें असेसमेंट होते हैं, आजकल कंपनी सर्वे करती कई जगह से, तो सब अब रिपोर्ट आएगी सर्वेज की, उसके बाद में तय होगा किसको क्या टिकट कटना नहीं कटना। पर जो अफवाह चल पड़ी है, आप जो कह रहे हो ना, अफवाह चल पड़ी है, ज़्यादा चल पड़ी है, आप तक भी पहुंची? हाँ हाँ। तो उसमें किनके किनके नाम थे? ना, नाम नहीं, नाम नहीं आया। अफवाहें चल पड़ी है, ठीक कटेंगे कटेंगे, किसका कटेगा वो नाम मेरे पास नहीं, इसलिए मैं आपको सही बोलना चाहता हूँ ना। 15 जून 2023 यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, दिल्ली में लंबी बैठकों का सिस्टम बंद होना चाहिए, 2 महीने पहले टिकट फाइनल कर दें, जिसे टिकट मिलना है उसे इशारा कर दें, वो लोग काम पर लग जाएं। मेरी भावना तो यही है कि इसमें स्मूथली टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो, ऑन मेरिट पे हो, विनिंग कैंडिडेट कौन है देख के टिकट मिल जाए। लाइक एंड डिसलाइक का ना तो होना चाहिए ना भी वक्त है। तो मेरा मानना है कि वास्तव में ऑन मेरिट पे टिकट मिले। अब उसका जो अगर टाइमली होते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल हाईकमान के जो नेता हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है राहुल जी, उनको इस बात का एहसास है कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली हो जाना चाहिए, ये मैंने महसूस किया है। 2 महीने की मियाद तो अब बची नहीं, 2 महीने की मियाद तो अब ख़त्म हो गई। चुनाव के वक्त में मियादें आगे पीछे चलती रहती है। अच्छा, व्याख्या सापेक्ष है बयान, पर आपने इशारा कर दिया है जिनको टिकट मिलना है उनको। क्या मैं कह रहा हूं कि जैसा आपने बयान दिया था यूथ कांग्रेस में कि कम से कम जिनको टिकट दे रहे हैं उनको इशारा तो कर दें ताकि वो तैयारी में लग जाएं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारा कर दिया? ओ, ये तो मैंने शुरू में कहा भाई कम से कम इस विषय को हमारे लिए छोड़ो, उसमें आप क्यों बढ़ गए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पार्टी का चेहरा, 5 साल से सरकार चला रहे हैं, 15 साल बतौर मुख्यमंत्री पूरे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए छूटा हुआ विषय है। पर एक विषय है जिसकी सार्वजनिक चर्चा हो रही है राजस्थान के चौक चौराहों में, गलियों में, गांवों में और शहरों में, चर्चा ये कि कांग्रेस कौन चला रहा है, डोटासरा या डिज़ाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा, दोनों के बीच झगड़ा अखबारों की सुर्खियां बन रहा है। ये मीडिया के ऊपर से जी, मीडिया के ऊपर से, और कोई मान लो पार्टी में बैठ के हम डिसीजन करते हैं ना, इत्तेफाक भी होते हैं आपस के अंदर, उसको इस प्रकार का रूप दे दिया गया और राइटअप लेके जा रहे हैं। तो यही तो मेरी शिकायत मीडिया से है कि बिना तथ्यों की जानकारी के कोई न्यूज़ छपनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत होना चाहता हूं, पर मेरे सामने दैनिक भास्कर जयपुर 2 अक्टूबर का संस्करण, भास्कर को दिया इंटरव्यू जिसमें साफ तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजिस्ट ये सोचें कि सरकार संगठन उनकी मेहरबानी से टिके हैं तो खुद ही सरकार बना लें, खुद ही मुख्यमंत्री बन जाएं। कैंपेन क्या होगा, नारा क्या होगा, ये तो बताना पड़ेगा, और विस्तार से और भी विषयों पर उनके जवाब हैं। देखिए, इंटरव्यू क्या दिया होगा,
किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए होंगे मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार का इंटरव्यू छपा है। तो ये क्वेश्चन था उनसे खुद से कीजिए, कभी मिले तब आपसे डोटासरा जी से उनसे करना चाहिए, पता नहीं उन्होंने कहा कि नहीं कहा है, क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है। प्रदेश का एक अखबार जिम्मेदारी से छाप रहा है, कई खबर आती है, उन्होंने खंडन नहीं किया डोटासरा जी। कई खबर आती है मीडिया के अंदर, कई खबर आती रहती मीडिया के अंदर, हम खाली मीडिया के आधार पर थोड़ी चलते हैं कोई, हम देखते हैं कि एक्चुअल फीडबैक क्या है। पर डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा का क्या रोल है इस बार के चुनावी कैंपेन में, वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं? आपको ये जो सवाल आपके हैं सब हमारे पार्टी के बारे में हैं जी, तो कृपा करके बख्शो हम लोगों को, आप मत पढ़ो इस बारे में, इंटरनल मामला है, आप मत पढ़ो, ये तो हमारे पार्टी के मामले हैं। अच्छा, एक मामला और है, प्रदेश के कई पूर्व नौकरशाह हैं जो बताया गया कि कांग्रेस के टिकटार्थी हैं, निरंजन आर्या, अंतर सिंह नेहरा, हरिप्रसाद शर्मा, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत प्रॉमिस कर दिए गए हैं क्या नेता बनाए जाने के? टिकट लिस्ट निकले तब बात करेंगे, पर ये हैं दावेदार? नहीं, दावेदार तो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से टिकट का दावेदार नहीं हूं, ये कहना जरूरी है वरना उतनी क्लिप घूमेगी। आपकी पार्टी के एक नौजवान नेता से मैं मिला, मैंने बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी को ललन टॉप अड्डे में होस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा भाई साहब हमारा एक सवाल पूछ लीजिएगा, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि टिकट के वो भी दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब कहीं भी जाते हैं बड़े फक्र से बताते हैं कि मैं NSUI की नर्सरी से निकला हुआ नेता हूं, NSUI का पटका भी डाल के घूमते हैं, पर जब टिकट बटने की बारी आती है तब NSUI वालों पर उतनी कृपा नहीं होती है। NSUI मेरी कमजोरी है। कमजोरी है? NSUI के कार्यकर्ता को टिकट मिलने चाहिए, यूथ कांग्रेस वालों को मिलने चाहिए, पर सवाल ही आता है जब डिस्कशन होते हैं तो अल्टीमेटली जो जीत कौन सकता है, विनेबिलिटी किसकी है, उसको देखिए पार्टी टिकट देती है जी। बाकी तो मैं समझता हूँ कि NSUI भी अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं उनको, यूथ कांग्रेस, NSUI, जो भी हमारे संगठन है, अग्रिम संगठन, सेवादल, महिला कांग्रेस, वक्त आ गया उनको आगे आना चाहिए। आप टिकट मांगने के लिए भी दावेदारी पेश करनी चाहिए, और जिनकी भूमिका रही है क्षेत्र के अंदर, वहाँ की जनता और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका उनके संपर्क है इस प्रकार का है, वो जीत सकते हैं तो हमें खुशी होगी। हम तो ढूंढ रहे हैं उनको, नए उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, हम तो अच्छे उम्मीदवार आए और हम लोग फैसला करें। आप मंच पे कह देते हैं नए ढूंढ रहे हैं, पुराने वालों की माथे पे पसीना आ जाता है। नहीं, मैं खुद ही पुराना हूँ जी। एक नेता हैं जो नए ना ज़्यादा पुराने हैं और ना ज़्यादा नए हैं, उनके बारे में भी स्पष्टता का बड़ा अभाव है, उनका नाम है सचिन पायलट। आपने उनको संकेत किया कि अरे सचिन तुम विधायक हो, जरा सक्रिय हो जाओ, टोंक के बाहर भी कुछ बातचीत हुई? सचिन पायलट जो है हमारे पार्टी के, आप जानते हो कि नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आ गया अभी, तो खुद हाईकमांड है, हाईकमांड को कहने यूथ नहीं होती, हाईकमांड खुद टिकट बांट देंगे, टिकट बांटेंगे दिल्ली में, तो उनका उनकी भूमिका भी होगी, तो उनको मैं क्यों कहूँ, कोई जरूरत नहीं उनके कहने की, और मैं कौन होता कहने वाला, कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको कह सकती है। देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात, देखिए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो आ गए इस बार, पहली बार आए हैं, तो उनके टिकट जो है, जैसे हमारे सेक्रेटरी ऐसे जी के हैं, जन सेक्रेटरी कोई है मान, जैसे बाबा जितेंद्र सिंह जन सेक्रेटरी है, तो ये कैटेगरी वो हो जाती है, उसके बाद में उनके टिकटों का फैसला तमाम हाईकमांड करती है, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ। पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तो सचिन पायलट के नेता हैं, आप भी तो निर्देश दे सकते हैं उनको। मैंने कहा ना आपको, जो संबंधित हो जाते हैं ACC के, हाईकमांड फैसला करते हैं, इनके बारे में करते हैं जी, वो तमाम
पदाधिकारी जो हैं उनको सबको मैं यही बात कहता हूँ कि उनको तो जो कुछ कहना हाईकमांड को कहें वो फैसला करती है, उनको पता भी हमें किसका क्या यूज करना है, वो ढंग से फैसले होते हैं। और हाईकमान आपसे परामर्श करता है राजस्थान के विषयों पे? अभी तो वक्त आ गया तब करेंगे, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो शुरुआत हो रही है, तो नेचुरली मुख्यमंत्री कोई भी हो या पीसी प्रेसिडेंट हो सलाह होती है। सलाह होती, तो आपने कोई रोल उनका डिफाइन किया, आपने कोई परामर्श दिया हाईकमान को कि सचिन पायलट का किस तरह से? आप मेरे पास आ गए, हमारी पार्टी के अंदर ही मामलों में पंचायती मत करो। चलिए पार्टी से बाहर के मामलों में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके गृह जनपद में जोधपुर में थे। प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अपनी हार को लेकर आश्वस्त हैं, इसलिए वो सरकारी कार्यक्रमों में भी नहीं आते। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी सरकार जाने के बाद भी उनके द्वारा शुरू किए जो जनहित के कार्य हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। आपका रिएक्शन? उसके मैं जवाब दे चुका हूँ। वो केंद्र में प्राइम मिनिस्टर, देखिए हमारी यदि शानदार योजना राजस्थान की है, राजस्थान की योजनाएँ देश के अंदर पहली बार हर राज्य में चर्चा के अंदर है। अमेरिकी योजनाएँ जो OPS भी है, 25 लाख का हेल्थ कवरेज भी है, शहरी रोजगार योजना भी है जी, कई योजनाएं ऐसी हैं, बल्कि ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल, वो भी चर्चा के अंदर है, वो छोड़ दीजिए। पर जो सोशल सिक्योरिटी है, मान लीजिए हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, एकल नारी को, विधवाओं को, निःसज्जनों को, जो काम हमने किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, आप उनका अध्ययन कराओ केंद्र में, आप लागू करो वहाँ पर, उसके बाद यहाँ आके गारंटी दो कि मैंने 25 लाख का बीमा कर दिया देश के अंदर, मैंने OPD लागू कर दी है, और वो योजना अगर सरकार हमारी बनेगी तो मैं बंद नहीं होने दूंगा, तब मैं मानूंगा। वो तो उन्होंने पासिंग रिमार्क किया है कि जो योजनाएँ एक प्रकार से जो उनको उनकी दृष्टि में कौन सी योजना ठीक है वो तो वो जान सकते हैं। हम कहते हैं जो हमने फैसले किए हैं, इतिहास बनाया हम लोगों ने, आज कर्मचारियों के मानवीय दृष्टिकोण से फैसला है, ऐतिहासिक फैसला, वो शहरी रोजगार मिलना बड़ा फैसला है, एक्ट पास किया हम लोगों ने, गिग वर्सेस एक्ट पास कर दिया अभी हम लोगों ने, किसानों के लिए उनकी ज़मीन कुड़की नहीं हो, हाईकोर्ट जज के अध्यक्ष कमेटी बन रही है, कमीशन बनेगा, वो कानून बन गया देश राजस्थान के अंदर, हमने फैसले किए पहले वो तो लागू करो केंद्र के अंदर, उसके बाद में आप कहो कि मैं गारंटी देता हूँ कि राजस्थान में इसकी में बंद नहीं की जाएगी। 25 लाख का बीमा है, बताइए मुझे, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। केंद्र 5 लाख का बीमा है, वो भी है खाली SECC जो सर्वे हुआ था UP गवर्नमेंट का, SECC सर्वे, उस तक सीमित है वो। हमारा बीमा है 93% कवरेज हो गई है। आप फिगर देखोगे तो UP, बिहार या आपका गुजरात कोई राज्य हो, कहीं 17% कवरेज है, कहीं 20% है, 18% है, 22% है, 93% राजस्थान में एकमात्र। ये बातों में लोग जाते नहीं हैं, कवरेज करीब करीब सभी पब्लिक के लिए हमने वो बीमा के जो दिया इंश्योरेंस 25 लाख का, सबके लिए, गरीब अमीर कोई भी हो। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि राजस्थान में खुलेआम गला काट दिया जाता है, सरकार देखती रहती है, ये विकास के विरोधी जहाँ भी जा रहे तुष्टीकरण ला रहे हैं। देखिए वो घटना जो हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इनको मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कौन फीडबैक देता है। उन्होंने कहा जोधपुर के अंदर दंगे हो गए, लोग मारे जा रहे थे, मुख्यमंत्री कहाँ थे? दंगे हुए नहीं वहाँ पर, ना मारे गए कोई व्यक्ति वहाँ। एक साम्राज्य तनाव एक बार हुआ था करौली के अंदर, जोधपुर के अंदर, उसको ही मीडिया वाले साल में तो चलाते रहे उसको, आपकी आपकी जो जमात है वही कम थोड़ी है कोई, चलाते रहे एक साल था। अरे करौली में आधा घंटे का तनाव था, छुटमुट घटना हुई। जोधपुर के अंदर तनाव जरूर हुआ, हमने मॉनिटरिंग की जयपुर से, परंतु कोई घटना दुर्घटना कुछ नहीं हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मुंह से बुलवा दिया वहाँ पर। तो इस प्रकार का जो है ना, मीडिया को भी चाहिए कि जो सत्यता है उसके आधार पर आप खुल के आलोचना करो, हम स्वागत करेंगे।
जोधपुर से जुड़ा आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा हो रही है खबरों के मुताबिक कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सरदारपुरा से आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ सकती हैं, पार्टी इस तरह का कह सकती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुश्किल होगा मुकाबला? कमाल है, अगर वो चुनाव लड़ती है जोधपुर सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा पूरे देश के अंदर। आज हम लगे हुए मिशन 2030 के अंदर, क्योंकि राजस्थान चर्चा में पहली बार आया देश के अंदर, पहले नहीं आता था। पहले अकाल पड़ते हैं, सूखे पड़ते हैं, पिछड़ा हुआ प्रदेश, यही बात होती थी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से। अब बदल गया सीनियर है, यहाँ पर शानदार गवर्नेंस दी हम लोगों ने, शानदार कानून पास किए, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और शानदार सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें दे रहे हम लोग। बदल गया है, पूरे राजस्थान बदल गया है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर वो खड़ी होती है सामने, तो एक बार पूरे कंट्री में चर्चा में आएंगे हम दोनों, और उसी माने राजस्थान चर्चा में आ जाएगा, जो मैं चाहता हूँ हर मुद्दे पर राजस्थान चर्चा में रहेगी। इसके अंदर नहीं सर, डिबेट होनी चाहिए। हूँ एक नाम पर और भी चर्चा हो रही है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के नेता, बीजेपी के और केंद्र में मंत्री, जिन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रखा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बीजेपी कह सकती है आपके खिलाफ चुनाव लड़ने को, वो कैसे उम्मीदवार साबित होंगे? जोरदार प्रतिद्वंदी, हम तो वेलकम करें कोई आओ, ये तो उनके पार्टी का मामला है, किसको उम्मीदवार बनाते हैं मोदी जी या उनके बीजेपी प्रेसिडेंट, उनके ऊपर है। पर मुकदमा मेरे खिलाफ क्या है, सच्चाई है, और मैंने उसको वेलकम किया, क्योंकि एक मुकदमा किया गया है, 1.5 लाख लोग बर्बाद हो रहे हैं बेचारे, परिवार भूखे मर रहा है, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2-2 करोड़ रुपये डूब गए उनके, वो एक संजीवनी घोटाला हुआ है जिसमें नाम शेखावत जी का भी आया है, उनके परिवार का भी आया है। तो मैंने आरोप लगाया भी आप सब आरोपी हो, तो उन्होंने मुकदमा किया है। परंतु मेरा मानना कि मैंने कहा भी कि चलो आप इसी बहाने मुकदमे के बहाने ही, ये जो गरीबों का पैसा है उसके लिए केंद्रीय मंत्री को आगे आना चाहिए कि पैसा वापस कैसे मिल सके उन लोगों को, उनका दर्द देखा नहीं जाता। जब मुझे 3 बार मिले वो, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, औरतें, उन्होंने देखा अच्छे अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें, तो उन्होंने जम के पैसा लगा दिया वहाँ पर, गहने बेच करके, मकान बेच कर, कुछ भी कर दिया होगा। अगर आप भी एक बार उनके साथ में अपनी लैंड टॉप से बात करो, बुला करके उनका एक शो कर लीजिए, आप तो मालूम पड़ेगा आपको भारत में क्या स्थिति हुई है। इसलिए मैंने वो कमेंट किया था, और उनका अधिकार है केस करने का। तो मुकदमे में जाते हैं आप पेशी पे? मैं बिल्कुल जाता हूँ। जाते हैं? 5 पेशी अर्निंग कर चुका हूँ। 5 पेशी हो चुकी हैं? 5 पेशी अर्निंग कर चुका हूँ वीसी से, वीसी के जरिए। अच्छा, मेरा पूरा विश्वास है जुडिशरी पर। अब मैं जुडिशरी की ज़मीनी बात से थोड़ा सा हवा की तरफ चलता हूँ। 2 हेलीकॉप्टर के प्रसंग हैं जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। इसलिए कहा जी, हाल ही मेरे खिलाफ में कंटम लगाया किसी व्यक्ति ने कि मैंने जुडिशरी के बारे में जो कमेंट किया वो कंटम कोड हो गया है जी। तो मैंने कहा मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने गलत कमेंट कर दिए तो माफ़ी मांगने शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब जुडिशरी मजबूत होगी। जुडिशरी किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उसकी सेंक्टिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी आस्था सबकी, देश में जुडिशरी रहनी चाहिए। तो कुछ जजेज ने कोई कमेंट कर दिए, सुप्रीम कोर्ट जजेज रिटायर थे, उन्होंने सीजीआई थे ने कमेंट कर दिए, तो मेरे मुँह से भी कुछ बात निकल गई कि भाई ये करप्शन की बात हो रही है, चिंता से पूरा चिंता विषय पूरे देश को होना चाहिए। उसको लेके कंटम लगा दिया, तो वो मैं अलग मौजूद क्या कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्या करना चाहिए तो उसमें अभी तय नहीं किया है। नहीं, अभी मेरे को जाने जरूरत नहीं, वहाँ अभी तो फैसला करेंगे कंटेंट बनता है या नहीं बनता है। पर किस व्यक्ति ने कोई केस किया है, मेरे पास नोटिस आया था, मैंने जवाब का दे दिया है अनकंडीशनल अपोलॉजी, पहले ही माफी और उसको मैं मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने अनकंडीशनल अपोलॉजी दी, जिससे कि आम लोगों को लगे कि जुडिशरी का सम्मान करना कितना आवश्यक है।
8 सितंबर मुख्यमंत्री का सीकर दौरा रद्द होता है, हेलीकॉप्टर को लेकर कुछ विवाद होता है, आप उधर से ट्वीट करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ट्वीट आता है, क्या मामला था? बड़ा गंभीर मामला था। दो बार देखिए, एक बार पीएमओ ने मेरा नाम काट दिया स्पीच से, प्रधानमंत्री जोधपुर में बोल रहे हैं कि सीएम नहीं आए कि मुझ पर विश्वास है उनका कि मैं वहाँ बैठा हूँ तो सब ठीक ही काम होगा, ऐसा ऐसे कुछ कहा लफ्जों में कुछ कहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई कि आप एक तरफ के तो मेरे मित्र अशोक गहलोत बोलते हो, पब्लिक है ना, आप लोग मित्र तो हैं ना, नहीं पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छा, और फिर हमारी ऐसी तैसी करते हो आप, मित्र बोलते हो भाषण में, जब कभी वीसी होती है तब भी बोलते हो, और मैं अच्छा वीसी में भी कहते हैं मेरे मित्र अशोक गहलोत, मैं मौजूद होता हूँ तब भी बड़ी तारीफ करते हैं। मानगढ़ के धाम में जो मीटिंग हुई थी, गुजरात चुनाव चल रहे थे जी, तब कहा कि मैं जो मुख्यमंत्री था तो हमारे मुख्यमंत्री जमात के अंदर सबसे छीने हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान थे जी, नाम लेके, और दो मुख्यमंत्री और बैठे थे वहाँ, गुजरात के और महाराष्ट्र के थे, गुजरात और मध्य प्रदेश के, कि आज भी तीनों बैठे हैं, इनमें सबसे छीने मोस्ट यही है, कौन कोई माने तारीफ करने का एक मैसेज देते राजस्थान वासियों को, मैं बहुत मित्र हूँ इनका, और चूकते नहीं है अपने कामों के लिए, वो शरारती हैं मित्र हैं, अब पता नहीं वो क्या है तो पर जनता ये जानना चाहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मित्र हैं कि नहीं। पहले मैं उसकी जवाब देता हूँ आपको जी, मेरा नाम किसी राज्य में जाए प्राइम मिनिस्टर तो कायदा होता है वहाँ की गवर्नमेंट को सीएम को इन्वॉल्व करे, प्रोग्राम में मेरे पास नाम लिखा हुआ आ गया स्पीच का और रात को काट दिया आपने, तो मैंने सुबह साल में ट्वीट कर दिया कि भाई ये आपने क्यों किया, पीएमओ ने जवाब दिया ट्वीट से ही कि नहीं हमने नाम नहीं काटा था और कम्युनिकेशन गैप हो गया और नाम था ही नहीं, तो मुझे वापस ट्वीट करना पड़ा भाई ये नाम आपके केंद्रीय मंत्रालय से प्रोग्राम आया हमारे पास में उसमें लिखा हुआ था, तो एक तो किस्सा ही हुआ। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो भी लेटेस्ट है अभी, उसमें हमारे हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया क्योंकि G20 का चल रहा था, वहाँ मीटिंग चल रही थी, बाजी में आपको सिविल एविएशन वाले तय करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो पर जिस प्रकार से वो होम मिनिस्टर ने बाद में जब हमने आरोप लगाया उनके ऊपर भी आपने उड़ने क्यों नहीं दिया हेलीकॉप्टर, आपने एक बार परमिशन दी फिर रुक गए, आप अजमेर से आगे नहीं जा सकते हो और मुझे जाना था सीकर के अंदर, उसको हमने कमेंट किया था ये गलत किया आप लोगों ने, उनकी सफाई बनती नहीं है क्योंकि सेकंडों में लिखा रहता है जो प्रोग्राम बनता है मुख्यमंत्री का, उसके बाद हेलीकॉप्टर कितने बड़े उड़ेगा वो सब लिखा रहता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, तो हमने बताया भी देखिए ये स्थिति आपकी रही, आपने क्यों मना करवाया, हमारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा मुझे, ये बात थी। एक हेलीकॉप्टर पर भी आपने और कमेंट किया कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इतना ज़्यादा राजस्थान दौरा क्यों हो रहा है, उनका हेलीकॉप्टर प्रदेश में क्यों घूम रहा है, उपराष्ट्रपति से जुड़े समर्थकों का कहना है कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दौरा क्या मुख्यमंत्री से पूछ कर तय होगा? वैसे मैं बताऊँ आपको ये जो है ये तो अभी जमाना बदल गया है, वरना कोई टाइम था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर भी कोई रिक्वेस्ट आ गई उनके पास में तो बकायदा वो सीएम को लिखते थे लेटर, कमेंट पूछते थे भाई क्या करना चाहिए, ये प्रोग्राम आया हमारे पास में, राष्ट्रपति के स्टेटस का प्रोग्राम हैक नहीं है, उपराष्ट्रपति के इस तरह का प्रोग्राम हैक नहीं है या प्राइम मिनिस्टर का हैक नहीं है, वो जवाब जाता था उसके बाद वो तय करते थे आना है या नहीं आना है, वो टाइम बदल गया, अब बिना कोई पूछे हुए कमेंट प्रोग्राम बनता है, राष्ट्रपति भी आते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं और प्राइम मिनिस्टर आ ही रहे हैं, मुझे उसमें इतना भी नहीं है, जैसा देश वैसा भेष, हालात यही है देश के अंदर भी जो हालात बना रखे हैं देश के अंदर, ईडी इनकम टैक्स CBI राज तो वो कर रहे हैं, राज कौन कर रहा है,
जो दबाव उनके ऊपर है, एजेंसियों पर, घरों में घुस रही है बिना कोई कारण से, बिना कोई रेखी किए हुए, बिना जांच किए हुए दबाव उनके ऊपर, आप देख रहे हो। तो ये जो स्थिति है उसमें आप बताइए, मैंने जब कहा उपराष्ट्रपति जी के लिए, मैंने कहा लगातार दौरे 5-7-10 दिन हुए, अलग बात है। जिस दिन मैंने कमेंट किया उस दिन तो कमाल ही कर दिया, 5 जगह पर हेलीकॉप्टर उतारे, 5 जगह पर रहता हूँ भर के अंदर। तो ये तो मैंने कहा पब्लिक में क्या मैसेज आएगा, चुनाव चल रहे हैं, आप महीने में 15 दिन आ रहे हो, मान लो 10 दिन आ रहे हो, 12 दिन आ रहे हो, और एक दिन में 5 दौरे भी कर रहे हो, 5 मीटिंग कैसे करते, CM ही नहीं कर सकते 5 मीटिंग। तो CM भी जाएगा, 2 जगह जाएगा, 3 जगह जाएगा, 4 जगह जाएगा, मान लो 5 जगह जाएगा, आप क्या करोगे वहाँ पर एक साथ एक ही दिन के अंदर, एक दिन 5 जगह। तो मैसेज आता है कोई कैंपेन चल रहा है बीजेपी का, उपराष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ा संचय होना लाजमी। देखो बीजेपी भी 2 शब्द बोलकर आपकी सरकार के खिलाफ संशय का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, गंभीर इल्ज़ाम लगा रही है। केंद्र में 2 शब्द हैं, लाल डायरी, आपकी सरकार के कैबिनेट से बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे, कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवारजनों अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की लंबी सूची, जबरन सदन से बाहर निकाल दिया गया, इनके समर्थक विधायकों मंत्रियों ने डायरी छीन ली। इसके बाद कुछ पन्ने फिर खोले, कहा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लेन देन की बातें थी, और ये भी कि आपके बेटे जो जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं वैभव गहलोत, उनका भी जिक्र था। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के बीच हुई बातों का जिक्र, चुनावी खर्चे लेन देन हिसाब का जिक्र, गुड़ा के मुताबिक बहुत सारी संगीन बातें। एक व्यक्ति जो 4 साल 4.5 साल आपके मंत्रिपरिषद में रहता है, इतने गंभीर इल्ज़ाम लगाता है, मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए वो बड़ा षड्यंत्र था बीजेपी का, वो षड्यंत्र बीजेपी का था। जैसे बीजेपी जिस प्रकार से खेल खेल रही है देश के अंदर, जो चिंताजनक भी है, चुनी सरकारों को गिरा रही है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान में हमने गिरने दी नहीं किसी कीमत पर, हमने कहा यहाँ प्रदेशवासियों का और हमारे हाईकमान का सहयोग था, और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमने वो उनको मौका नहीं दिया। उनके दिल में आग लगी हुई है कि हम गिरा क्यों नहीं पा रहे राजस्थान सरकार को, इस बात का मुझे गर्व है। 5 साल हमने सरकार चलाई है किस करके यहाँ पर। रुक सकती जो आप कह रहे हो मंत्री जी, मंत्री को तो मोरा बनाया गया उसको, जब हॉर्स ट्रेडिंग से ये कर्नाटक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार गिरा सकते हैं, ये छोटी सी बात थी। आप बताइए लाल डायरी आगे लाते क्यों नहीं, अभी इनको चाहिए लाल डायरी को लेके पूरा कैंपेन चला हमारे खिलाफ में, बताएं क्या क्या आरोप उसके अंदर है, पब्लिक को बताएं। ये षड्यंत्र बीजेपी का ही था, बीजेपी षड्यंत्र में अभी तक भी शामिल है उसके अंदर। लाल डायरी तो फ्यूज हो गई, लाल डायरी को ये चाहते थे प्रधानमंत्री को आना था सीकर के अंदर। जिस दिन लाल डायरी की बात करी, इनको भ्रम था इनके नेताओं को कि लाल डायरी का लाल रंग भी इन्होंने चूज किया, लाल डायरी का नाम किसने दिया। लाल डायरी का नाम भी देने में मेरा मानना है बीजेपी के जो हाईकमांड के लोग थे, प्लानिंग बनी वहाँ पर, लाल कलर की प्लानिंग बनी, उसके अपने मायने निकालने की प्लानिंग बनी, और उन्होंने उसको इश्यू बनाने की कोशिश करी। पर सीकर में बोले थे प्राइम मिनिस्टर, और पब्लिक समझ गई इसमें, तो ये पूरे खुद ही एक्सपोज हो रहे सब लोग, कोई दम नहीं इसके अंदर है, दम मत लाओ, बताओ आपके पास तो सब कुछ है, एजेंसी हैं, लाल डायरी ला क्यों बाहर मार्केट के अंदर। मुख्यमंत्री जी, मेरा अगला जो सवाल है वो सैकड़ों की संख्या में मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर आए ईमेल से उपजा सवाल है। सबकी इबारत एक सी है, अलग अलग विद्यार्थियों ने ये सवाल पूछा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सार्वजनिक रूप से पूछूं। वो लिखते हैं, आपसे निवेदन है कि एक बार फिर आप बेरोजगारों का साथ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत जी रीट लेवल 2 को रद्द करते समय लेवल 2 में पदों को बढ़ाकर 31,500 की भर्ती करने को बोले थे, लेकिन बाद में 27,000 पदों पर ही लेवल 2 में भर्ती निकाली,
4,500 पद काट लिए, हर धरने आंदोलन में हम कहते रहे, उन्होंने कहा बढ़ा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बढ़ाया, जो हमारे साथ अन्याय है। आप ज़रूर 4,500 पद अध्यापक भर्ती लेवल 2 में वापस जुड़वाने की बात CM साहब को बोलें। देखिए किसी को एक किसी की नौकरी लगती है तो उसके परिवार को खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। और हमने प्रयत्न किए, देश के अंदर कितने लोगों ने लगभग 3 लाख नौकरी निकाली है राजस्थान के अंदर, 3 लाख नौकरी कहीं नहीं निकली है। ये ज्ञापन मुझे मिलते हैं, बाकायदा हम लोग एग्जामिन करवाते हैं उनको और कोशिश करते हैं कि इन सब की समझ हल हो। अधिकांश समझ हल हुई भी है। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मुझे कुछ साथी मिले थे जैसे आपने अभी बताया, कुछ प्रॉब्लम फिर भी बाकी बची हुई है, उनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमने अप्रोच ली है, 100 जगह तो मेगा जॉब फेयर लग रहे रहते हैं, 100 जगह पर 25-30 जगह लग चुके हैं, 20-30 हज़ार लोगों नौकरी लग चुकी है, 3 लाख सेकेंड नौकरी लगा रहे हैं हम लोग, जो सारे देश में कहीं नहीं लग रही होगी। उसके बावजूद मैं समझता हूँ युवाओं की फीलिंग जो है उनका हम ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कैसे उनको रिलीफ मिले। ध्यान रखेंगे, आपका पॉइंट में नोट कर लेता हूँ। इन 4,500 के लिए भी कोई आश्वासन? मैं नोट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आचार संहिता आने वाली है, विद्यार्थी कह रहे हैं आपकी तो एक कलम घुमाने की देर है, आचार संहिता से पहले ही घुमा दीजिए। ऐसा है अगर ये कोई घोषणा करने की बात होती ना तो मैं अभी घोषणा कर देता, अभी वो स्थिति ऐसी है नहीं। जो ऑलरेडी चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, ये मांग अभी की नहीं होगी, पुरानी मांग होगी, बहुत पुरानी मांग है, तो हम फिर भी देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। आखिरी दो सवाल। पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा लगा था, मोदी तेरी बैर नहीं, वसुंधरा तुझसे खैर नहीं, और इस बार कुछ हलकों में नारा लग रहा है कि गहलोत से कोई बैर नहीं लेकिन कांग्रेसी विधायकों की खैर नहीं। आपको भी ये फीडबैक आ रहा है कि आपके विधायकों को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बहुत है? देखिए ये फीडबैक तो काफ़ी दिन से आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग बात करते भी, विधायक उनसे बात भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोकल समस्या भी होती है, कई बार अच्छा काम करने के बावजूद भी पर्सन बन जाता उल्टा राजनीति में होता है। तो ये तो हम पार्टी के स्तर बात करते हैं, MLA की मीटिंग बात भी होती है हमारी। ये फीडबैक काफ़ी लोगों ने चर्चा में डाल भी दिया है और विपक्ष के लोगों का काम भी यही है, वो ज़्यादा फैलाते हैं। तो ये बात आप जो कह रहे हो ये चर्चा में, मुझे मालूम है, जानकारी में मेरी चर्चा में। तो आखिरी में आपकी पार्टी का ये अंदरूनी मामला सर्वे से सेटल होगा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से कि जिन्होंने सरकार बचाने में मदद की उनका ख्याल रखा जाएगा, डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा? बैलेंस होगा। अंतिम प्रश्न, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार होंगे? देखिए पार्टी पहले कह चुकी है, कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है। शीला दीक्षित जी को किया था, वो सिटिंग CM थी। नहीं किया, कभी नहीं किया। हमेशा पार्टी चुनाव जीतने के बाद में विधायक दल की मीटिंग होती है और पब्लिक का फीडबैक भी आता है, विधायकगण क्या कहते हैं, सोच समझ के फैसला होता है। मतलब नतीजे आने के बाद फिर विधायक दल ही तय करेगा, साथ में कुछ निर्दलीय भी लगेंगे। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, केंद्रीय मंत्री में 3 बार वहाँ रहे, इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में, संगठन में काम करता रहा हूँ, ASCC में, PCC में कर चुका हूँ, तो मैं अति संतुष्ट नहीं हूँ, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ देश के अंदर। आप ऐसे बोलते हैं पायलट खेमे की उम्मीद बढ़ जाती है। अच्छी बात है ना, इसलिए बोलता हूँ मैं। मैं बोलता इसीलिए हूँ, खाली सचिन पायलट की नहीं, सबकी उम्मीदें बढ़े हैं। मैंने कहा 2-3 बार, अभी एक महिला थी, मैंने इंटेक्शन कर रहा था, हार्ट उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट का होना बड़ी बात है,
उससे मेरा इंटरेस्ट नहीं चला। उन्होंने कहा आपको भगवान लंबी उम्र दे, ये करे वो करे, आप मुख्यमंत्री वापस बने, कुछ कह रही थी वो। तो मैंने, मेरे मुँह से निकला कि आपकी भावना, आपका आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, पर मैं अब जो है, अब जो ये मुख्यमंत्री पद मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। लोग इसमें विधायकों के लिए संदेश खोज लेते हैं कि मैं ऐसे कहूंगा कि मैं छोड़ना चाहता हूं, पर तुमको कहना है कि इनको नहीं जाने देना। आप ना, मैं जो इतनी बड़ी बात मैंने कही, मेरी दृष्टि के अंदर दो बार मैंने कहा है, इतने मैंने कहा है लोगों लगे भाई कि मतलब परमानेंट कोई नहीं होता है, और लोगों में उत्साह पैदा हो, कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, हमारा नंबर भी आ सकता है। और मैं चाहता हूँ आगे आए युवा पीढ़ी, पर ध्यान रखे लाइन जो हो जाती है, जैसे मैंने क्या किया ज़िंदगी में, लाइनें बनी हुई थी, मैंने बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करी और मैं कामयाब हुआ। कामयाब वही होता है जो लाइन बड़ी खींचता है। आप लाइन बनी हुई को काटोगे, आप कोशिश करोगे, वो छोटी लाइन नहीं हो सकती। वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी इस बात को। तो मेरा मानना है कि लाइन बड़ी करना सीखो, तो अपना आप ही चांस मिलने लग जाते हैं। तो मैंने जानबूझ के कहा दो बार, जिससे कि एक प्रकार फीलिंग पैदा हो कि भाई लाइन बड़ी खींचने का काम शुरू करें, बजाय इसके कि लाइन जो बनी हुई है उसको आप काटने का प्रयास करो। और ये बड़ी लाइन खींचने का जो अशोक गहलोत फॉर्मूला है, वो भी तो समझ में आ जाए आपकी पार्टी के युवा नेताओं को। जब आपने शुरू किया था तो मदेरणा परिवार, मिर्धा परिवार, नटवर सिंह, कितनी लंबी लाइन थी, सब एक एक करके राजनीति में, पृष्ठभूमि में चले गए, अशोक गहलोत बने हुए हैं, आप कांस्टेंट हो गए हैं, वो वेरिएबल हो गए हैं। नए नए आए, दावेदारी की, वो भी चले गए। सीपी जोशी ने समझौता कर लिया, सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी में बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो ये कितनी लंबी लाइन खींच रहे हैं आपके, युवाओं का इंतजार बढ़ रहा है। देखिए वो तो एक पक्ष हुआ, मेजर बात है पब्लिक के अंदर आपका जो है ऑरा, परसेप्शन, लीडरशिप आपकी, उसमें आप काम करते जाइएगा, अपने आप को कामयाब कीजिएगा सभी तरह से, आपके व्यक्तित्व, आपके कर्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी मेहनत, सब कुछ काउंट करती है। उसके स्वतः ही आपको जो है चांस मिलता है। सोनिया गांधी जी की बात मुझे याद है, एक बार उन्होंने कहा धैर्य रखने वाले को कभी ना कभी चांस मिलता ही मिलता है। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। जल्दबाजी करे ठोकर लग जाएगी, और ठोकर लग जाती कई बार। ठोकर क्यों लगे, ठोकर लगने ही चाहिए राजनीति के अंदर, आराम से इत्मीनान से राजनीति करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मानेसर के रास्ते में गड्ढे बहुत थे क्या, ठोकर क्यों लगी? नहीं, हम तो गड्ढों को मिटाते रहते हैं, सबके लिए चाहते हैं स्मूथ हो जाएगा जी। आपने और मैं चाहूँगा भाई, एक बात सुनो, मैं भी चाहूँगा जो आदमी इतने समय राजनीति कर रहा है, नए लोग आने चाहिए। राहुल गांधी भी चाहते हैं, खड़गे साहब भी चाहेंगे, सोनिया जी चाहती थी तभी मैं आया हूँ। आज मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी बनी थी उस वक्त में, उसमें पहला निर्णय मेरा ही हुआ होगा मुख्यमंत्री बनाने का उनके जमाने के अंदर। और आज मैं तीसरी बार बन गया हारने के बावजूद भी। भाई मेरे वक्त में चुनाव पार्टी हारी है ना, मतलब पहली बार मेरे वक्त में हारी है, सेकेंड टाइम भी मेरे वक्त में चुनाव हमारे हैं, और थर्ड टाइम मैं मुख्यमंत्री बनाऊँ। सोनिया जी तो ये भी चाहती थी कि आप उनके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। सोनिया जी का मेरे प्रति बहुत ही आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास रहा है, और इसलिए आप लोगों को लगता भी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बनना था उस वक्त में, पर खड़गे साहब के बनने का तय हो गया, वो बन गए। इतनी आसानी से तय हुआ होता तो क्या बात थी। अंतिम प्रश्न, पर एक बात कह दूं आपको जी, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है कि मुझे मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए मैंने मतलब वो जो रिवोल्ट हुआ था यहाँ पे MLA का, वो रिवोल्ट कोई हरिकमा के खिलाफ नहीं था, सचिन पायलट के खिलाफ था। अब किसके खिलाफ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपने ये कह के ही नाम ले लिया, जनता समझदार है, संकेत पढ़ लेती। मेरा मतलब ये कि कोई मुख्यमंत्री हटता, मान लो कोई हो भले, तो नया मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चले जाते हैं MLA छोड़ के पहले वाले को, क्योंकि उनको मंत्री बनना होता है, उनको काम करना पड़ते हैं मुख्यमंत्री से,
वो ऐसा माहौल बन गया, किन कारणों से बना मैं नहीं कह सकता, मैं जाना भी चाहता उसके अंदर, वो माहौल ऐसा बन गया कि वो रिवोल्ट टाइप हो गया। पर ना सोनिया गांधी जी के बारे में ना कांग्रेस हाईकमांड के बारे में कोई रिवोल्ट था। हाईएस्ट रिगार्ड राजस्थान की कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी, विधायक दल का भी, खड़गे साहब के साथ रहा है, अब तो है अध्यक्ष से, और उससे सोनिया गांधी के साथ था। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, हम लोग तो हमेशा देखते हैं डिसिप्लिन रहना चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस ने हमेशा उस धर्म को निभाया था, ये बात थी। आपने ललन टॉप के पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर मैं काम तो बहुत करता हूँ पर प्रचार में कच्चा रह जाता हूँ, जनता तक पहुँच नहीं पाते, आपने कुछ उदाहरण भी बताए थे। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लग रहा है कि इस बार डिजाइन बॉक्स, पार्टी संगठन, सरकार का सूचना जनसंपर्क विभाग जो भी हो, पर इस बार आप अपने कामों का प्रचार प्रसार जो हो रहा है उससे संतुष्ट हैं? इस बार मैं समझता हूँ पहली बार DPR ने जो है कामों का प्रचार प्रसार किया है मीडिया के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर हर राज्य में हो रहा है। आप देख रहे दिल्ली हो, पंजाब हो, UP हो या मध्य प्रदेश हो, कोई राज्य हैं सरकारें अपना प्रचार करती है मीडिया के माध्यम से अपनी योजनाओं का, अपने फैसलों का। तो हमने भी प्रयास किया, इस बार पहली बार किया प्रयास, जम के प्रचार, गुलाबी होर्डिंग्स हर जगह, उसमें मुस्कुराते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। प्रचार करना मैंने आवश्यक भी समझा इस बार, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर थी, महंगाई राज शिविर में लगाए, बहुत कामयाब है वो, 1,82,00,000 परिवारों ने आके वहाँ पे कार्ड लिए, 1,82,00,000 परिवार। BJP नेताओं ने गलती करी, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा वहाँ पर, क्योंकि कैंप तो कैंप थे, सरकारी कैंप थे वो, तो उन्हें बायकॉट किया उन्होंने। पर 1,82,00,000 परिवार आए हैं, उन परिवार में तो BJP परिवार शामिल है, सब आए हैं, इसके मतलब परिवार वाले जो हैं उन्होंने विश्वास किया हमारी स्कीमों पर, आगे कार्ड लिया, गारंटी कार्ड लिए, ठीक है। तो मुझे कई बार अभी दिन को ही सोच रहा था कि यार एक जो 1,82,00,000 परिवार, 1,93,00,000 का हमारा गणित है आबादी के हिसाब से, और 1,82,00,000 कार्ड ले गए हैं, और 7,80,00,000 के आसपास में गारंटी कार्ड मिले लोगों को घरों के अंदर है। तो मैं दोपहर को सोच रहा था कि ये जो कार्ड 1,82,00,000 ले गए हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस या BJP या कोई पार्टी कोई हो, सब ने आगे कार्ड लिए हैं, खाली BJP नेता नहीं आए वहाँ पर। अब क्यों नहीं आए वो तो बताएंगे आपको, पर अगर उनके परिवार वालों ने कार्ड लिया है, गारंटी कार्ड लिया है, उनका विश्वास हमारी सरकार पर है, या हम विश्वास दिलाते हैं, गारंटी देते हैं, उन पर विश्वास उनका है, तभी तो लिया होगा कार्ड। तो मेरा मानना है कि हमारी स्कीम इतनी शानदार रही कि पूरे देश में चर्चा हो गई उसकी, 25,00,000 बीमा भी उसके अंदर है, लंबी रो में गाय मर गई थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको मुआवजा मिलना चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट कहने के पहले ही मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, यहाँ पर हमने पेमेंट भी कर दिया। तो एक से बढ़कर एक स्कीम उसके अंदर है, 10 स्कीमों के अंदर, महंगाई को देखते हुए तो शानदार है। OPS जो है, कर्मचारी में बहुत उत्साह इस बात को लेकर है, विश्वास जमा है। तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, हमारी सरकार के बारे में आम लोगों के अंदर, आप कहीं जाओगे, जो आप लोग खुद ने कहा है, सरकार विरोधी लहर नहीं मिलेगी आपको। ये पहली बार हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, एंटी इनकमेंट होती थोड़ी बहुत, कम होती ज़्यादा होती है, इस बार 0 है वो। और यही हमें विश्वास दिलाती है कि पब्लिक हो सकता है इस बार वापस रिपीट कर सरकार बनाए, हमें आशीर्वाद दे, मेरा मानना है। और आपको भी चौथी बार आशीर्वाद मिले। मैंने आपको पहले कह दिया इस बारे में, तो पार्टी चुनाव के बाद में मीटिंग करती है, विधायक दल की मीटिंग होती है, पब्लिक का मूड क्या देखती है, फिर फैसला करती है। चलिए, कुछ सवालों के जवाब जनता मतपेटी, जिसको अब EVM कहते हैं, उसके ज़रिए ही देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपने इतना समय दिया, मुझे पता है कि आपने अपना शेड्यूल ब्रेक किया यहाँ आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललन टॉप पॉलिटिकल अड्डे में आप आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।